हाउ आर पॉलीमर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करना है हमने पॉलीमर्स को? तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीन टाइप के पॉलीमर हैं, एक है लीनियर पॉलीमर, एक है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, एक है क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। तो देखो इनकी स्ट्रक्चर यहाँ बनी हुई है। लीनियर पॉलीमर क्या है? देखो लीनियर है बिल्कुल ऐसे, है ना, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती। लीनियर पॉलीमर क्या है? दीज पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन, लॉन्ग लंबी और सीधी, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। हाई डेंसिटी पॉलीथीन है जो, ऐसा पॉलीथीन जिसकी डेंसिटी हाई होती है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स बनाने के काम आता है, ठीक है ना। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप्स आपने देखी होंगी, आती है ना पीवीसी पाइप्स, वो पानी वाली पाइप पीवीसी पाइप्स, तो वो लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स, तो इसमें क्या होता है? दीज पॉलीमर कंटेन लीनियर चेन, इनमें लीनियर चेन तो होती ही है, लेकिन उस लीनियर चेन की कुछ ब्रांचिंग होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लो डेंसिटी पॉलीथीन, ऐसा पॉलीथीन जो जिसकी डेंसिटी कम होती है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो ये रहे, एक थोड़ी थोड़ी ब्रांचिंग आ गई ना, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन क्यों हो गया? क्योंकि अगर ब्रांचिंग नहीं होगी तो पैकिंग अच्छे से होगी ना। देखो ब्रांचिंग तो है नहीं, पैकिंग अच्छे से होगी, पैकिंग अच्छे से हो जाएगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहां ब्रांचिंग हो गई तो ब्रांचिंग होने से क्या होगा? बीच में कुछ खाली जगह आ जाएगी ना, फिर तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन किसका एग्जाम्पल है? लीनियर पॉलीमर का। लो डेंसिटी पॉलीमर किसका एग्जाम्पल है? हाँ ब्रांच्ड का। और पीवीसी पाइप्स तो कितनी हार्ड होती है, आपने देखा ही है, तो वो लीनियर का एग्जाम्पल होगा क्योंकि उसमें पैकिंग अच्छे से होती है। समझ में आ गई बात? फिर अगला क्या है? क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। इसमें क्या होता है? इसमें जो ये इसमें ना आपस में जो चेन्स हैं उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। जैसे यहाँ तो ब्रांचिंग हुई थी सिर्फ, जो ये पूरी की पूरी चेन है और ये नीचे वाली पूरी चेन है, इनमें तो आपस में कोई बॉन्ड नहीं है ना, इसकी तो ब्रांच है, बॉन्ड थोड़ी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट चेन्स में बॉन्ड ही बन जाते हैं, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। समझ में आ गई बात? बहुत सारी चेन्स है उसके आपस में क्रॉस लिंकिंग हो गई, क्लियर। तो दीज आर यूजली फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स। तो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनते कैसे हैं? बाई फंक्शनल या फिर ट्राई फंक्शनल मोनोमर से। क्यों? क्योंकि आपस में जुड़ने के लिए कोई दो फंक्शनल ग्रुप चाहिए ना। देखो एक तो पहले तो चेन बनी, तो चेन बनी तो चेन तभी बनेगी जब बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ेंगे। और मोनोमर आपस में जुड़ते कैसे हैं? फंक्शनल ग्रुप जहां होता है वहीं जुड़ते हैं ना, है कि नहीं? तो एक तो फंक्शनल ग्रुप यहीं जुड़ने में लग जाएगा, दूसरा फंक्शनल ग्रुप कहाँ चाहिए? यहाँ पे लिंकिंग बनाने के लिए। समझ में आई बात? तो इसमें दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं एक मोनोमर में। समझ में आ गई बात? एंड कंटेन्स स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन्स, ठीक है। लीनियर पॉलीमर चेन के में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। एग्जाम्पल क्या? बेकलाइट मेलामाइन, इनकी ऐसे रिप्रेजेंटेशन की जाती है। मैं आपको बेकलाइट दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ये रहा बेकलाइट। पहले तो ये इसको फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बोलते हैं, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज फिनॉल दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। पहले तो ये दोनों रिएक्ट करके ये बना देते हैं, ये या ये, फिर ये, ठीक है ना, इस तरह से। तो आप क्या करो, ये बन गया, ये कैसे बना? सी डबल बॉन्ड हो, एच एच ही है ना ऐसे। इसको पहले प्रोटोनेट कर दो आप, इसको प्रोटोनेट कर दो, तो ये यहाँ ओ एच कर दूं, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी इलेक्ट्रोफाइल ही है ना, ये सी एच टू ओ एच ही है ना, सी एच टू एच को यहाँ लगा दो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, सी एच टू एच लग गया, ठीक है ना बात। ये ऐसे यहाँ भी लग सकता है, तीनों दोनों जगह भी लग सकता है, तीनों पे भी लग सकता है ऐसे ये। तो अब क्या करो, अब ये बेकलाइट है, देखो ये कैसे बना है। OH, CH2OH,
एक यहां ले लो CH2OH, ठीक है। OH ये ले लो आप, देखो ये बनाओ, इधर जो मैं बना रहा हूं वो देखो, ये CH2OH, ये CH2OH ऑर्थो पैरा पे लग जाएगा ना। अब क्या करो, इसमें क्रॉस लिंकिंग कर। देखो अभी दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, ये फिनॉल है ये अल्कोहल है, दो हो गए ना फंक्शनल ग्रुप। तो पहले तो लीनियर चेन कैसे बनेगी, यहाँ पे डिहाइड्रेशन पे ऐसे, यहाँ पे अच्छा है ना, यहाँ ओ अच्छा, इसको क्या कर दो यहाँ से वाटर बाहर निकाल दो, ऐसे इसका भी यहाँ से वाटर बाहर निकाल दो, तो ऐसे कर करके एक लीनियर चेन बन जाएगी ना। उन लीनियर चेन में क्रॉस लिंकिंग कैसे होगी, यहाँ से एक एच और यहाँ से ओ एच ये निकाल दो, फिर यहाँ पे एक ओ एच और यहाँ से एच ये निकाल दो, और इनकी आपस में कर दो यहां से OH और यहां से H, ऐसे ही इसको ऐसे बाहर निकाल दो, तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखो मैं यहां बना रहा हूं क्या बनेगा। OH CH2 OH CH2 एंड सो ऑन, है कि नहीं, यहां पे इधर से जुड़ेगा ये नीचे CH2 OH CH2 OH CH2, इसमें क्रॉस लिंकिंग होगी इस तरह, एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है ना। तो दो चेन में ऐसे पूरी चेन लीनियर यहां बनेंगी, पूरी लीनियर चेन यहां बनेंगी, उनमें क्रॉस लिंकिंग हो गई, तो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स है। बेकलाइट इसका एग्जांपल है, बेकलाइट पता कहाँ होता है, जो आपने घरों में कुकर देखे, कुकर का जो हैंडल होता है ब्लैक ब्लैक कलर का, वो बेकलाइट होता है, ठीक है ना। तो दीज आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, क्लियर हो गया। तीन टाइप के पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड। तो इनकी स्ट्रक्चर तो बना ही लोगे, लीनियर सिंपल लीनियर है, इसकी एग्जांपल बताओ लीनियर की, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड्स। ब्रांच चेन पॉलीमर की एग्जांपल क्या है, लो डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन, तो याद रखना आसान है ना। अगर लीनियर है तो पैकिंग अच्छे से होगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, ब्रांचिंग है तो पैकिंग अच्छे से नहीं होगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी। और बेकलाइट और मेलामाइन इसका एग्जाम्पल है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स का, ओके।